तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे बिगनर्स मुझसे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया हमको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है स्टॉक्स के अंदर, तो इसके ऊपर भी हम लोगों को एक वीडियोस के माध्यम से बताओ कि कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है स्टॉक्स के अंदर। सो आज के इस वीडियो में आपको यही चीज़ लाइव और प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि कैसे स्टॉक्स के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है। वैसे तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक्स के अंदर प्रीफर नहीं करता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक्स के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, क्या रूल्स है, कुछ चीज़ें हैं जिनको जानने के बाद आप बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया हूँ। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। और मैं इसको प्रेफर इसलिए नहीं करता हूँ स्टॉक्स के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करना, क्योंकि इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है पर्टिकुलर स्टॉक्स को, और स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक्स के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे होता है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग किसी स्टॉक्स के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीखेंगे। अगर आप एक बिगिनर्स हैं और स्टॉक्स के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको लाइव और प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। अगर मैं किसी भी स्टॉक्स को सिलेक्ट करता हूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उसी स्टॉक्स को सिलेक्ट करें, आप अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग किसी भी स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। इस वीडियो में आपको कुछ बेसिक जानकारियां भी दूंगा ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड, जो शायद आपको ना पता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्रोकर को लॉगिन कर लेना है। आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और यहाँ पर इस तरह से लॉगिन कर लेने के बाद आपको किसी भी एक स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हर एक स्टॉक में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा दूं, नायका का अगर हम लोग शेयर ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए एफएनडो का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, एफएनडो का ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा अगर आप पेटीएम में जाएंगे तो इसमें भी शायद आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेटीएम में भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो कुछ कुछ सिलेक्टेड शेयर्स होते हैं जिनमें आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑप्शन मिलता है, सभी शेयर्स में नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग और देखते हैं आईआरएफसी में है कि नहीं, तो इसमें भी शायद नहीं है। ठीक है, तो वो आपको देख लेना है कि कौन से शेयर में अवेलेबल है कौन से शेयर में नहीं। तो ये सारे शेयर्स में तो अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ये अभी अभी नए नए जो शेयर हैं वो लिस्ट हुए हैं मार्केट के अंदर, तो इनमें अभी एफएनडो का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, जितने बड़े कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 के अंदर लिस्टेड है उनमें अगर आप देखेंगे तो उन सभी में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑप्शन शायद मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग एलएनटी को देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एफएनडो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आकर के ऑप्शन चेन देख करके और यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर इसमें देखेंगे तो इसमें भी देखिए यहाँ पर एफएनडो का ऑप्शन आ रहा है। और बैक कर लेते हैं, टाटा कंसल्ट कस्टमर्स को भी देख लेते हैं, तो इसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं एफएनडो का ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए हम लोग इसी ऑप्शंस में, इसी शेयर में हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करके देखते हैं कि कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है। तो देखिए, किसी भी स्टॉक्स में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस स्टॉक्स को इस तरह से ओपन कर लेना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, इसके बाद सिंपली आपको एफएनडो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एफएनडो पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर व्यू ऑप्शन चेन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है, फिर आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन चेन खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप सारी चीजें एनालाइज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि कई सारे बिगिनर्स होंगे यहाँ पर जो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप शेयर्स के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें मंथली एक्सपायरी होता है, यानी कि हर एक मंथ के लास्ट गुरुवार को, ठीक है, हर एक मंथ के लास्ट गुरुवार को एक्सपायरी होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नवंबर का एक्सपायरी कब है, 24 नवंबर को, तो 24 तारीख को क्या है, गुरुवार है। इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे दिसंबर में कब है, 29 दिसंबर को, तो 29 दिसंबर, दिसंबर के मंथ का लास्ट एक्सपायरी लास्ट गुरुवार को है, ठीक है, थर्सडे को बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए जनवरी का दिया है तो 25 जनवरी को अगला, मतलब यहां पर आपको तीन मंथ का कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और फॉर मंथ, ठीक है। तो इस तरह से आपको शेयर्स के अंदर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो तीन मंथ का आपको देखने को मिलता है कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं किसी भी इंडाइसेस के अंदर तो उसमें वीकली एक्सपायरी भी होता है। वीकली मतलब हर थर्सडे को एक्सपायरी होता है,
हर गुरुवार को, चाहे कोई भी गुरुवार हो, मंथ में तीन चार गुरुवार, चार पांच गुरुवार आते हैं ना, उन सभी में आपका एक्सपायरी होता है हर एक गुरुवार को, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके नीचे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए हर एक ब्रोकर का इंटरफेस अलग अलग होता है। ये मैं ग्रो एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का इंटरफेस है और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कॉल प्राइस दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, ठीक है, राइट साइड में आपका पुट प्राइस दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इनको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम प्राइस, ठीक है। यहाँ पर 31 रुपए जो दिखाई दे रहा है, 24 रुपए दिख रहा है, 17 रुपए दिख रहा है, ये हमारा क्या है, कॉल साइड के प्रीमियम है। और इधर पुट साइड के प्रीमियम आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी किसको बोलते हैं, जो कॉल साइड के अंदर ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन द मनी ऑप्शन, ठीक है। और इधर जो ब्लैक पट्टी है इसके नीचे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, आउट ऑफ द मनी। सिमिलरली यहाँ पर पुट साइड में क्या होगा, इन द मनी ये वाला कहलाएगा, ये जो ब्लैक पट्टी है उसके नीचे वाला इन द मनी और ये वाले सारे आउट ऑफ द मनी कहलाते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग बीच में जो दिखाई दे रहा ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पर आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है सेंटर में, ये सारे के सारे क्या है, स्ट्राइक प्राइस हैं, ठीक है। और हर एक स्ट्राइक प्राइस के बीच में गैप कितना है, 10-10 पॉइंट का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 770 है, फिर 760 है, 750 है, और अगर इस तरफ ऊपर की तरफ जाएंगे तो 800, 810, 820, मतलब हर एक स्ट्राइक प्राइस के बीच में 10 पॉइंट का गैप आपको देखने को मिल रहा है। तो ये गैप हर एक शेयर के ऊपर अलग अलग होता है। अगर आप किसी और पर्टिकुलर शेयर को देखेंगे तो उसमें गैप कुछ अलग हो सकता है। निफ्टी के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहां पर 50 पॉइंट का गैप होता है, बैंक निफ्टी के अंदर जाएंगे तो 100 पॉइंट का गैप होता है। तो ऐसे आप लोगों को गैप अलग अलग देखने को मिल सकते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसको क्या बोला जाता है, स्ट्राइक प्राइस। अब यहां पर जो बीच में दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस मतलब मार्केट का जो करंट प्राइस चल रहा होता है। अभी आप यहां पर देखेंगे तो टाटा कंज्यूमर का जो करंट प्राइस अभी चल रहा है, मार्केट प्राइस 786 रुपए चल रहा है इस एक शेयर का प्राइस, ठीक है। तो यही है इसका करंट प्राइस, इसी को बोलते हैं स्पॉट प्राइस। और आज के दिन में कितना पॉजिटिव रहा है, तो 2.19% यहां पर पॉजिटिव है, करंट प्राइस ये चल रहा है और शेयर का नाम ये है, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी का देखेंगे तो यहां पर निफ्टी का करंट प्राइस शो करेगा। अब देखिए अगर कोई भी शेयर बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसके पीछे आपको कौन सा चार्ट देखना चाहिए, तो हर एक शेयर्स के, मतलब जिस भी आप शेयर में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग, उसके पैरेंट चार्ट को देखना चाहिए। पैरेंट चार्ट किसको बोलते हैं, टाटा कंज्यूमर का जो ओरिजिनल वाला चार्ट है वहां पर आपको देखना है, ना कि आपको इन सब के, मतलब ये जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं ना, इन सब के आपको चार्ट नहीं देखने हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, यहां पर अगर आप क्लिक करेंगे किसी भी ऑप्शंस पर तो यहां पर देखिए इसका चार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये चार्ट देख करके आपको ट्रेड नहीं करना है, कई सारे बिगिनर्स यहां पर कंफ्यूज होते हैं। सिमिलरली निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो इन चार्ट को आपको देख करके ट्रेड नहीं करना है, इसका पैरेंट चार्ट देखना है। जैसे हम लोग निफ्टी का चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, तो उस तरह से इस जो शेयर है, इस शेयर का आपको पैरेंट चार्ट देखना है। समझ में आ गया इतना तक। अब यहां पर देखिए आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, यहां पर प्राइस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये सारे क्या है, प्राइस है कॉल और पुट साइड के। अगर हम लोग यहां पर ओआई में सिलेक्ट कर देंगे तो यहां पर आपको ओआई दिखाई देंगे, ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट। तो यहां पर आपको कॉल साइड के ओआई और राइट साइड में पुट साइड के ओआई दिखाई देंगे, और ये ओआई में कितना चेंज हो रहा है वो आपको यहां पर परसेंटेज में भी देखने को मिल रहा है। आई होप आपको ये चार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस पूरे चार्ट को आपको समझने में आसानी हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, सिर्फ डेमो पर्पस से है, तो मैंने यहाँ पर कोई भी एनालिसिस करके नहीं रखा हुआ है। लेकिन अगर आप कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एनालिसिस करना होगा, टेक्निकल एनालिसिस, कि कैसे आपके प्राइस मूव करने वाले हैं, कौन सा डायरेक्शन होने वाला है, पीसीआर रेशियो क्या है, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग और इंडिकेटर्स का भी आप यूज कर सकते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए अगर आपको ये सारी चीजें आती है तो आप मूवमेंट को पकड़ सकते हैं कि मार्केट किस साइड जाने वाला है, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ डेमो पर्पस से दिखा रहा हूं, इसलिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूं कि कैसे किसी ऑप्शंस को खरीदा जाता है, ठीक है। तो अभी चलिए हम लोग मान करके चलते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम लोग एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करेंगे ना तो क्या होगा, देखिए 29 दिसंबर का एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करते हैं तो यहां पर देखिए ओआई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा ओआई नहीं बिल्ड हुआ है। यहां पर 25 जून को देखेंगे तो ओआई बिल्ड नहीं हो रहा है। यहां पर देखिए सारे में सारे क्या है, जीरो है दोनों साइड, कॉल और पुट साइड। इसका मतलब क्या है कि यहां पर खरीदने वाले भी नहीं है और बेचने वाले भी नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग यहां पर जैसे जैसे एक्सपायरी के पास जाएंगे ओआई बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम लोग 24 नवंबर को देखें तो यहां पर देखिए ओआई बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर कुछ कुछ ओआई यहां पर अवेलेबल है।
तो शेयर्स में ओपन इंटरेस्ट कम होता है एज कंपेयर टू किसी निफ्टी या बैंक निफ्टी इंडाइसेस के कंपैरिजन में। तो अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर देखेंगे तो वहां पर आपको ओआई बहुत ज्यादा बिल्ड होता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर देखिए फिर से प्राइस वाले सेलेक्ट कर लेते हैं, प्राइस पर आ गए हैं। अभी आप यहाँ पर प्रीमियम प्राइस देख सकते हैं पर एक हर एक स्ट्राइक प्राइस के अंदर शेयर, हर एक स्ट्राइक प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्राइस दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे किसी ऑप्शंस को खरीदना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 800 का हम लोग एक ऑप्शन ले लेते हैं कि स्ट्राइक प्राइस हमने यहाँ पर ले रखा है। चलिए यहाँ पर 790 का लेते हैं, हम लोग एट द मनी का ऑप्शन लेते हैं, जो कि यहाँ पर जो 786 रुपये चल रहा है इसके आसपास का जो स्ट्राइक होगा वो क्या होगा, एट द मनी कहलाएगा। तो 786 से पास में कौन सा है, 790 है, तो ये वाला हमारा क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस एट द मनी कहलाएगा। ठीक है, एट द मनी इसको भी बोल सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत नीचे जाता है प्राइस तो इसको भी हम लोग एट द मनी बोल सकते हैं। बाकी इन द मनी आउट ऑफ द मनी तो आप लोगों को समझ में आ ही गया है, एट द मनी कॉल और पुट दोनों के लिए सेम होता है। तो चलिए हम लोग एट द मनी का कोई ऑप्शन खरीद करके देखते हैं। जैसे 790 रुपये हमने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया। ठीक है, अब ये ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया तो यहां पर देखिए मैं इस पर क्लिक करूंगा, 12 रुपये 10 पैसे मुझे प्रीमियम देना पड़ेगा एक क्वांटिटी के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि कितना हमारा यहाँ पर पैसा लगने वाला है इस ऑप्शंस को खरीदने के लिए। तो अभी आप यहाँ पर देखिए टाटा कंज्यूमर का 24 नवंबर 709 रुपये का हमने कॉल ऑप्शंस खरीदना है। तो कॉल ऑप्शंस खरीदने के लिए सिंपली आपको बाय पर क्लिक करना होगा। बाय पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी इसका एलटीपी चल रहा है, एलटीपी मतलब क्या होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ठीक है, तो अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है, 12 रुपये 10 पैसे। ये फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि मार्केट ओपन है, 11:39 हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहां पर देखिए दो ऑप्शन मिल रहा है, डिलीवरी और इंट्राडे का। अगर आपने डिलीवरी में करके खरीदा तो क्या होगा, आप इस ऑप्शन को एक्सपायरी डेट तक होल्ड करके रख सकते हैं। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी कब है, 24 तारीख है, 24 नवंबर, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 24 नवंबर तक होल्ड करके रख सकते हैं। और आज है यहां पर देख सकते हैं 17 नवंबर। ठीक है, तो अगर आप डिलीवरी में करके खरीदते हैं, अगर आपको लॉस हो रहा है तो भी आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है फिर भी आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, या फिर आप सेम डे में ही अगर प्रॉफिट हो रहा है और बेचना चाहते हैं तो भी आप बेच सकते हैं अगर आपने डिलीवरी में करके खरीदा हुआ है तो। और अगर आपने इंट्राडे में करके खरीदा तो क्या होगा, इस केस में ऐसा होगा कि आज ही के दिन में आपको इस पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना होगा। अगर हम मान लो कि हमने यहां पर इंट्राडे सेलेक्ट किया और ये हमने खरीद लिया कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको खरीदने के बाद मार्केट क्लोज होने से पहले पहले हम लोगों को इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिट भी करना होगा, यानी कि बेचना होगा। ठीक है, और मार्केट 3:30 बजे बंद होता है तो उससे 15 मिनट पहले ही आपको बेचना होगा। अदरवाइज क्या होगा, ब्रोकर आपका खुद से इसको स्क्वायर ऑफ कर देगा, और ब्रोकर अगर खुद से स्क्वायर ऑफ करता है तो आपसे पेनाल्टी के रूप में कुछ पैसे भी वसूल सकता है। ठीक है, तो आपको पेनाल्टी से बचना है, तो आप अपने पोजीशंस को 3:30 बजने से 15 मिनट 20 मिनट पहले ही अपने पोजीशंस को काट लेना है। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहां पर डिलीवरी में ही सिलेक्ट कर लेता हूं, हालांकि मैं इसको इंट्राडे ही करने वाला हूं क्योंकि अभी मैं इसको बेच करके आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि कैसे इसको खरीदने के बाद बेचा जाता है। ठीक है, अभी आप यहां पर देख सकते हैं नेट पोजीशन 0 दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारे पास अभी इसके कोई भी शेयर्स अवेलेबल नहीं है, कोई भी हमने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा हुआ नहीं है। अब यहां पर देखिए क्वांटिटी आता है, तो क्वांटिटी की बात करें तो यहां पर एक लॉट में 900 क्वांटिटी, यानी कि 900 शेयर्स आपको 900 शेयर्स के पैसे यहां पर देने पड़ेंगे। ठीक है, और यहां पर प्राइस कितना चल रहा है, 11 रुपये 95 पैसे, तो 11 रुपये 95 पैसे के भाव में हम लोगों को 900 मल्टीप्लाई करके उतना पैसा आप लोगों को देना पड़ेगा। तो वो कितना होगा अमाउंट, तो आप यहां पर देख सकते हैं रिक्वायर्ड कितना है, 11,878 रुपये, यानी कि इतना पैसा आपके वॉलेट में होना चाहिए तभी आप इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीद सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्लस करेंगे तो 900 के मल्टीपल में होगा। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि 1000 क्वांटिटी खरीद ले तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्वांटिटी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो सीधे 1800 होगा, 2700 होगा, तो इस तरह से 900 के मल्टीपल में होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे आप निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर करते हैं, तो निफ्टी के अंदर कितना लॉट साइज होता है, निफ्टी 50 के अंदर होता है 50 का और बैंक निफ्टी के अंदर होता है 25 का। सिमिलरली आपको यहाँ पर क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर डेमो पर्पज से कर रहा हूँ, इसलिए एक लॉट खरीद करके दिखाऊंगा। एक लॉट में 900 क्वांटिटी होता है इसके अंदर, तो हर एक शेयर का क्वांटिटी जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए प्राइस का ऑप्शन आ रहा है, प्राइस में क्या है, एट मार्केट प्राइस ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड है, इसका मतलब जब मैं खरीदने जाऊंगा तो यहां पर मार्केट प्राइस में ही ये बाय हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्या ऑप्शन मिलता है, लिमिट का,
तो यहाँ पर अगर आप लिमिट लगा करके खरीदते हैं तो इसका मतलब क्या 12 रुपये 10 पैसे चल रहा है, अगर हम लोग लिमिट लगा दें कि नहीं हमको 12 रुपये में ही चाहिए, 10 पैसे एक्स्ट्रा नहीं देना है, तो हम लोग यहाँ पर 12 रुपये डाल देंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे सेव बाय पर क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा बाय ऑर्डर में लग जाएगा, ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। जब ये इसका प्राइस इस प्राइस तक आ जाएगा तभी हमारा ये ऑप्शन बाय हो पाएगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा, तो हम लोगों को ज्यादा लॉस होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे मार्केट में, तो यहाँ पर देखिए मार्केट प्राइस में अगर हम लोग खरीदने जाएंगे बाय पर, जैसे ही हमने क्लिक किया हो सकता है कि 12 रुपए की जगह 12 रुपए 50 पैसे हो जाए, तो आपको 50 पैसे का लॉस पर क्वांटिटी, और यहाँ पर 900 क्वांटिटी हमने खरीदने वाले हैं, तो कितना ज्यादा आपको लॉस हो सकता है, सीधा सीधा 450 रुपए का लॉस आपको तुरंत ही देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इतना आपको लॉस से बचना है तो आप मार्केट की जगह लिमिट लगा करके खरीद सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं मार्केट प्राइस को ही सिलेक्ट करके बाय करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर लिमिट लगाऊंगा तो हो सकता है इसको बाय होने में थोड़ा टाइम लग जाए, हालांकि उस ऑप्शंस को हम लोग फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर हमने कोई ऑर्डर लगा करके रख दिया हुआ है लिमिट में तो उस ऑप्शंस को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगर हम लोग का मार्केट में अगर बाय नहीं हो पाएगा तो हम लोग इसको लिमिट भी लगा करके खरीदेंगे, ठीक है। अब हम लोग नीचे की तरफ आते हैं, चलिए मैं यहाँ पर बाय पर क्लिक किया, बाय पर हमने जैसे ही क्लिक किया आप यहाँ पर देख सकते हैं बाय ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, टाटा कस्टमर है 24 नवंबर 2022 का, 790 का हमने कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है, क्वांटिटी है 900 और डिलीवरी में हमने खरीदा हुआ है। ऑर्डर डिटेल चेक करना चाहते हैं तो आप यहां पर सारी डिटेल चेक कर सकते हैं कि कितना आपने यहां पर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, कितनी क्वांटिटी है, किस प्राइस रेंज पर आपने खरीदा हुआ है, कौन सा शेयर्स है, एक्सचेंज कौन सा है, क्या प्राइस है, सारी चीजें आप यहां पर डिटेल चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं यहां पर डन पर क्लिक करता हूं, डायरेक्टली हमारे ये डैशबोर्ड में रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो मैंने यहां पर डन पर क्लिक किया, अभी आप यहां पर देख सकते हैं हम लोग डैशबोर्ड के अंदर आ चुके हैं। तो अभी आप यहां पर देखेंगे डैशबोर्ड में हमारा एफएनडू पोजीशन है एक, जो कि यहां पर 900 क्वांटिटी है, और टाटा कस्टमर 24 नवंबर 790 का हमने कॉल ऑप्शंस खरीदा हुआ है, 12 रुपए इसका मार्केट प्राइस अभी चल रहा है, और 12 रुपए 05 पैसे में हमने खरीदा हुआ है, मतलब आप यहां पर देख सकते हैं 0.05 रुपीज माइनस गया, तो यहां पर कितना लॉस, मतलब आप अचानक से यहां पर देख सकते हैं कितना आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इस लॉस को फिक्स भी करना है ना तो आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि स्टॉप लॉस आपको कैसे लगाना है। सिंपली आपको यहां पर क्लिक करना होगा, इसके बाद आप यहां पर एड स्टॉप लॉस पर क्लिक करेंगे, एड स्टॉप लॉस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर देखिए सारी चीजें यहां पर डिटेल देख लेना है, पहले डिलीवरी में हमने खरीदा हुआ है डिलीवरी में रहने देंगे, नेट पोजीशन 900 है हमारे पास, और यहां पर क्वांटिटी भी सारी चीजें यहां पर सेट है पहले से ही, हम लोगों को सिर्फ यहां पर क्या करना है स्टॉप लॉस लगाना है। तो स्टॉप लॉस हम लोग क्या कितना का लगा लेते हैं 11 रुपए का लगा लेते हैं, ठीक है, यानी कि 11 रुपए से अगर कम जाता है इसका प्राइस तो हम लोगों को इस पोजीशन को ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देगा और हमारा यहां से पोजीशन कट जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर 11 डाल दिया, लेकिन अभी यहां पर क्या है रेड में शो कर रहा है, यहां पर लिमिट प्राइस आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसको मैं कैंसिल करूंगा तभी ये वैलिड हो पाएगा, या फिर लिमिट प्राइस को क्या करूंगा कम करूंगा, कितने से कम, यहां पर 11 रुपए से कम। तो चलिए मैं आपको दोनों ऑप्शन को दिखाता हूं करके, ठीक है। तो यहां पर देखिए 11 रुपए 80 पैसे दिख रहा है, मैंने यहां पर क्या कर दिया 11 रुपए कर सकता हूं या 11 रुपए से कम कर सकता हूं, यहां पर जो सेंटर में प्राइस डालेंगे ना उससे कम डाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पर 10 रुपए भी डालूं तो ये ग्रीन में रहेगा, लेकिन अगर 11 रुपए से हम लोग 0.5% भी अगर हम लोग ऊपर करते हैं तो यहां पर रेड हो जाएगा और ये ऑर्डर हमारा प्लेस नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मैं 11 रुपए ही डालता हूं, ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, तो मैं और आपको आगे बताता हूं कि क्या क्या ऑप्शन आपको यहां पर हो सकते हैं अवेलेबल, ठीक है। तो मैंने यहां पर 11 रुपए डाल दिया स्टॉप लॉस, अब सिंपली मैंने यहां पर क्या करना है सेल पर क्लिक कर देना है, यहां पर आप देख सकते हैं ऑर्डर विल बी ट्रिगर्ड 11 रुपए में ट्रिगर हो जाएगा हमारा ये प्राइस, और यहां पर आप देख सकते हैं सेल पर मैंने क्लिक कर दिया, तो सेल ऑर्डर हमारा प्लेस हो चुका है। अभी सिंपली आपको डन पर क्लिक करना है, अगर आपको ऑर्डर डिटेल चेक करना है तो यहां से आप फिर से ऑर्डर डिटेल चेक कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं यहां पर डन पर क्लिक करता हूं, और यहां पर आप देखेंगे तो हमारा जो यहां पर शेयर है 765 रुपए का मुझे अभी करेंटली लॉस हो चुका है। तो इस तरह से शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा रिस्की भी हो सकता है, यहां पर हमने जितना पैसा लगाया है सारा का सारा रिस्क पे है, और सारा का सारा रिस्क पर अभी नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है, यानी कि 11 रुपए से अगर कम इसका प्राइस जाता है तो ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, हमारा पोजीशन कट जाएगा और हमारा लॉस जो है वो फिक्स हो जाएगा। तो अभी 11 रुपए 20 पैसे चल रहा है, अगर हमारा स्टॉप लॉस देखिए यहां पर आपके सामने लाइव स्टॉप लॉस हमारा हिट हो चुका है, तो हम लोगों ने इसको मॉडिफाई भी कर नहीं पाए, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से देख सकते हैं कि आपका स्टॉप लॉस जो है
वो आपके लॉसेस को फिक्स कर देता है। हमने स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस हिट हो गया और हमारा यहाँ पर जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से स्क्वायर ऑफ हो गया है, कट गया है। तो आई होप कि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से स्टॉप लॉस काम करता है और शेयर्स में कैसे बाय एंड सेल किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर 10.65 रुपए हो गया है, इसका प्राइस कितना गिर गया है। अगर मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगा करके रखता तो मुझे और भी ज्यादा यहाँ पर लॉस हो सकता था, ठीक है। तो इस तरह से हमने बाय किया हुआ था, अगर प्राइस ऊपर जाता तो हम लोगों को प्रॉफिट होता, क्योंकि यहाँ पर प्राइस नीचे जा रहा था इसलिए हम लोगों को लॉस होने लग गया, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू रहता कि मार्केट गिरने वाला है, अगर हम लोगों को पहले से पता होता तो हम लोग क्या करते, पुट ऑप्शंस को बाय करते। अगर हमने पुट ऑप्शंस को बाय करते तो क्या होता, हम लोगों को प्रॉफिट होता। चलिए मैं वापस से उसी शेयर के ऑप्शन चेन पर चल के आपको दिखाता हूं और समझाता हूं। तो यहां पर मैं ऑप्शन चेन फिर से ओपन कर लेता हूं। सो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे सामने फिर से ऑप्शन चेन ओपन हो गया है। अभी हमने कौन सा ऑप्शन खरीदा हुआ था, 790 रुपए का ये वाला कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ था, ठीक है। तो इस ऑप्शन में हम लोगों को क्या हुआ, लॉस हुआ। अभी आप यहां पर देखिए पुट साइड में हम लोगों को कब खरीदना चाहिए, जब हम लोगों को लगे कि मार्केट अब गिरने वाला है, ठीक है। अभी आप यहां पर देखिए इसका प्राइस जो है वो 11.15 रुपए हो गया, यानी कि हमारा जो लॉस था वो रिकवर हो जाता अभी, अगर हमने स्टॉप लॉस नहीं लगा करके रखा हुआ होता। लेकिन हम लोगों को क्या पता कि मार्केट गिरेगा कि बढ़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एनालिसिस करके नहीं रखा हुआ था, ठीक है। अगर हम लोगों का प्रॉपर एनालिसिस होता कि मार्केट बुलिश ही होने वाला है तो हम लोग यहाँ पर क्या करते, कॉल ऑप्शन को खरीदते और होल्ड करके रखते और स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखते। तो इस तरह से आपको स्टॉप लॉस और टारगेट पॉइंट को भी ध्यान में रखना है जब आप एंट्री कर रहे हैं। तो एंट्री करने से पहले ही आप लोगों को स्टॉप लॉस और टारगेट का हमेशा ध्यान रखना है कि कहां पर आपका स्टॉप लॉस और कहां पर आपका टारगेट होगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आपने कोई भी पोजीशन लिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ हो गया है, तो उसका अगर कंप्लीट डिटेल चेक करना चाहते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपका जो पीएनएल रहेगा वो आप यहां पर देखेंगे। इसके अलावा जो एवरेज प्राइस है जीरो दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये शेयर हमारा एग्जिट हो चुका है स्टॉप लॉस की वजह से। इसके अलावा आप यहां पर मार्केट प्राइस अभी देख सकते हैं करेंटली क्या चल रहा है, वो मूव होता रहता है, लेकिन इससे अब कोई फायदा नहीं अगर आपका स्टॉप लॉस एक बार हिट हो गया है। तो अब आपको चेक करना है डिटेल, तो सिंपली आपको यहां पर क्लिक करना होगा, फिर नीचे की तरफ आपको पोजीशन डिटेल पर क्लिक करना है, फिर आप यहां पर देख सकते हैं अपने पोजीशन का सारा डिटेल। तो आपने बाय कितने में कितना क्वांटिटी किया है, किस प्राइस पर आपने बाय किया था, टोटल कितना इन्वेस्टमेंट था, सेलिंग किया तब उसमें कितने क्वांटिटी थे, तो क्वांटिटी जितना हमने बाय किया था उतना ही हमने सेल किया, मतलब एग्जिट हुआ स्टॉप लॉस की वजह से। और यहां पर एवरेज प्राइस भी देख सकते हैं किस एवरेज प्राइस पर हमने एग्जिट किया है, क्योंकि हमने 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके रखा हुआ था और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसके अलावा टोटल आप यहां पर देख सकते हैं कि कितना रुपए हमें रिसीव हुआ इस एफएनओ ट्रेडिंग से। तो जो भी हमने इन्वेस्ट किया था उसमें से 9,900 रुपए हमें वापस मिले, बाकी के हमको कितने लॉस हुए, तो 945 रुपए हमारा लॉस हुआ इस ट्रेड में। तो इस तरह से आपको यहां पर अपने पोजीशंस के डिटेल को चेक करना है। अब आपको यहां पर लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, देखिए ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से था, आप लोगों को सिखाने के लिए था कि किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है, क्या क्या बातों का आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को अच्छे से और डिटेल में समझा दिया है। तो अगर आप स्टॉक्स के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कुछ बातें हैं जिनका ध्यान हमेशा रखना है, अदरवाइज आप बहुत बड़े मुसीबत में फंस सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं, जो स्टॉक्स के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग होता है वो स्टॉक में होता है, कैश में नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग निफ्टी 50 के अंदर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और उस ऑप्शंस को हम लोग स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं, सेल नहीं करते हैं, मान लो हमने कोई ऑप्शंस बाय कर लिया है, कॉल हो या पुट हो, तो हम लोग अगर उसको सेल नहीं करेंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, उसका वो शेयर अगर आउट ऑफ द मनी हो जाता है तो उसका प्राइस तो जीरो हो जाएगा, प्रीमियम जीरो हो जाएगा, उससे कोई इश्यू नहीं होगा आपको। लेकिन अगर वो प्राइस इन द मनी में क्लोज हो जाता है, मान लो एक्सपायरी खत्म हो गया और ये इन द मनी में आपका जो पोजीशन है वो इन द मनी में रह गया, ठीक है, मान लो कि 23 रुपए इसका अभी प्रीमियम है और ये एक्सपायर हो गया आज का दिन, ठीक है, एक्सपायर हो गया, जैसे एक्सपायरी डेट खत्म होगा आपका जो पोजीशन है वो इन द मनी में है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, जो इसका जो प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस, मार्केट प्राइस जो चलेगा इस शेयर का, इतना रुपए मल्टीप्लाइड बाय जो लॉट साइज है, यानी कि 785 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 900 रुपए, तो इतना आपको पैसा यहां पर दे करके उस शेयर्स का डिलीवरी लेना पड़ेगा। उसके बाद आप उस शेयर को कभी भी बेच सकते हैं और उससे प्रॉफिट एंड लॉस आप ले सकते हैं, चाहे उसके बाद आपको प्रॉफिट हो लॉस हो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई ऑप्शंस खरीदा हुआ है और इन द मनी में क्लोज हो जाता है तो आपको जो प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस उस शेयर का, उसको मल्टीप्लाई कर लेना है लॉट साइज से। तो इसका लॉट साइज 900 है, हर एक शेयर का अलग होता है जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया,
तो 900 को मल्टीप्लाई कर लेना है इतने से, और जितना भी रुपए आपका आता है उतना आपको यहाँ पर देना पड़ जाएगा। तो अगर आप एक बिगिनर्स हैं, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, शुरुआती हैं, तो आपके पास हो सकता है कि आपके पास इतना पैसा ना हो, ठीक है, 5 लाख 8 लाख 10 लाख कितना भी हो सकता है यहाँ पर। देख अगर एक बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा, 785 को 900 से मल्टीप्लाई करके देखिएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना बड़ा आपके लिए रिस्क हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको इन सब झमेलों से बचना है, ठीक है, इन सब झमेलों से बचना है तो आपको क्या करना होगा, मार्केट क्लोज होने से पहले पहले एक्सपायरी के दिन आधे घंटे पहले ही आप अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। हो सकता है कि आपका कुछ टेक्निकल इश्यू आ जाए, या हो सकता है वो शेयर्स आप स्क्वायर ऑफ ना कर पाए जल्दी फल्दी के चक्कर में, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 3:30 बजे से आधा घंटा एक घंटा पहले ही आप अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लें, अगर आप स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, उसमें आपका जो सेटलमेंट होता है वो कैश में होता है, समझ में आ गया। अगर आपने कोई ऑप्शंस पीई खरीद लिया तो अगर आपका इसका जो पोजीशन है वो अगर इन द मनी में हो जाता है तो इसका डिलीवरी देना पड़ेगा सामने वाले को, तो डिलीवरी देने के लिए भी आपको उतना पैसे का रिक्वायरमेंट होगा, और अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है, आप नहीं दे पा रहे हैं, तो उस केस में आपसे पेनाल्टी भी चार्ज किया जा सकता है। तो इन सब झमेलों से बचना है तो एंड में जब एक्सपायरी हो रहा हो तो उससे आधे घंटे पहले अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लेना है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को लेकर के आपका क्या फीडबैक है अपना रिस्पॉन्स भी वीडियो के नीचे जरूर दीजिएगा, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही और वीडियोस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आता रहूं। और वीडियो के एंड में बस इतना ही बोलूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।